अब तो ही सही, लेकिन हूँ तो सलमान वही है। अरे सर, मैं नजद का हीरो, अरे मैं मवाना का सलमान खान। अरे मैं चलता ना कर, अबे क्या हो गया? अरे मैं भी हफ्ता हाँ। अबे लोग देख के मैंने खतरनाक है, दोनों को पकड़ के बजाएंगे यार ये। अरे सर, तूने पब्लिक को बताया ये मैं नाटक का हीरो, तूने इनको समझाया ये मैं मवाना का सलमान खान हूँ, और उसके बाद भी इतना बड़ा स्टार इनके बीच में आया और इतने स्टार में नहीं बना, नहीं बनता ना। अरे भाइयों, खाली बता दो यार, मेरा जमुना घूमना हो गया। अबे जमुना ताली बज गई, थोड़ी बजी, ज्यादा बजवा, बजा भाई ताली बज गई, जोर ला। अबे जमुना ताली बज गई, तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। अरे अरे लेकिन ये जनता नादानी ने कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियां कर देती है। अरे ये छोटे छोटे बच्चे ये चिप्स खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, टॉफी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो क्या हो गया? अरे होता क्या है, अरे उनको खाने के बाद उनके रैपर और उनकी टीम ऐसे ही तरफ पर फेंक देते हैं। अरे ये तो बच्चे हैं, ये बड़े तो इनके बाप है, लेकिन ये गंदगी फैलाने में वाकई ही इनके बाप है। हाँ, अरे ये लोग पानी पीते हैं, टंकी खोलते हैं, पानी पीते हैं, टंकी बंद कर नहीं भूल जाते हैं, सारा पानी व्यर्थ बातें रहते हैं। और इनसे भी बड़ी जो वो है हमारी घर की महिलाएं, वो तो इनकी भी माँ है। वो क्या करती है? अरे वो अपने घर की सफाई करती है, कूड़ा कचरा साफ कर कर सारा कूड़ा दोस्तों के घर के बाहर फेंक देती है। हेलो सर, अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि देश बदल रहा है, तो हमें आलू है, टमाटर है, बैंगन है, लौकी है, हरी सब्जियां है, ताली है, कद्दू है, कद्दू कद्दू नहीं है, कटहल है, कटहल नहीं है, लाइसेंस के लिए दिया सब्जी बेचने लगा है। अच्छा ये बता आलू क्या भाव की? आलू 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो? मुझे तू पागल हो गया, तू सब्जी आ गया लोगों को लूट देगा, लेकिन जब मैं कट देगा 80 रुपए किलो, जो भी कोई दाम है कम कर, कम कर, कम कर, ठीक है 80 रुपए ही आता कि मैं दे दूंगा। 80 के 80 किलो, ठीक है 80 के 80 किलो। हाँ हाँ ठीक है, आधा किलो आलू खोल दे। कपड़े का थैला, हाँ जी, मैं पूछे तू पागल है? अगर मैं चलूँ या कपड़े का थैला साथ लेके चलूँ? तूने क्या कह दी कि कपड़े का थैला जा रहा है? ऐसा कब पॉलिथीन में दे पॉलिथीन? अजी भाई साहब अरे तो सबको पता है कि गवर्नमेंट ने पॉलिथीन बंद कर दी है, लेकिन जनता ने सुनी थी। अरे दुकानदार चुपके चुपके पॉलिथीन में सामान ले रहा है और चुपके चुपके ग्राहक ले रहा है, तो तुम भी तो ठीक है। मेरा कोई अंत नहीं, मैं जलूं, मरूं, हम तुझे आग में जला देंगे। तू मुझे आग में मिला जलाएगा, मैं पूरा पर्यावरण को दूषित कर दूंगा। तुझे मिट्टी में दफना दूंगा। तू मुझे मैं उस मिट्टी को बंजर बना दूंगा। पानी में बहा देंगे। तुम मुझे पानी में बहाओगे, मैं सारे नालों नालियों को जाम कर दूंगा, जाम कर दूंगा। इसका इलाज है हमारे पास।
किया, मैं हूँ कपड़े का थैला। मेरा प्रयोग करने से इस प्लास्टिक का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, तो भाइयों आप कभी भी बाजार में सामान लेने के लिए जाए तो कपड़े से बने थैले का ही प्रयोग करें। यदि कोई दुकानदार आपको प्लास्टिक या पॉलिथीन में सामान दे तो आप उसे तुरंत बना के और उसे कहे या तो अखबार के लिफाफे में दे या फिर कपड़े से बने थैले में, वो प्लास्टिक का जितना भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार करे। धन्यवाद। बहिष्कार देखा ये प्लास्टिक का हर चीज को बड़ा प्रभावित करती है। प्लास्टिक के बर्तन में अगर खाना खाओ या उसके बोतलों में पानी पियो तो इंसान में कैंसर आ सकता है, आ सकती है ना। और यही नहीं, हृदय संबंधी बीमारियां भी इस प्लास्टिक के कारण ही आती है। कैसे प्लास्टिक एक नाली में पड़े होने से उसका सारा पानी ब्लॉक कर देती है, ऐसे ही प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना खाने से उससे जो रसायन निकल कर हमारे शरीर में जाता है उससे हमारे शरीर की नसें ब्लॉक हो जाती है। और हमारी पृथ्वी पर इतना प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है कि पूरी पृथ्वी को पांच बार लपेटा जा सकता है, उससे पांच बार। और जमुरे हमें प्लास्टिक को खत्म करने के लिए अपने घर से जल्दी बाहर जाए, सामान खरीदने तो घर से कपड़े का थैला लेकर जाए और दुकानदार से भी गए या तो हमें कपड़े के थैले में सामान दे या फिर कागज के लिफाफे में। आप बहुत पछताओगे, ध्यान रखना।
कुछ समय बाद बिल्लू भाई इधर आओ यार, ये पानी मेरे घर पहुंचा दो। पहले ये बताओ तुम इसे ला कहां दे रहे हो? अरे कहां से ला रहा हूँ, छोड़ो, मेरे घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर पर खाना तक नहीं बना है, और तो मेरे घर में पीने का भी पानी नहीं है। बाबू जी कुछ बदल पैसे, ये पानी मेरे घर पहुंचा दो। तो भाई साहब, एक टाइम मैंने आपको समझाया था कि पानी को व्यर्थ मत बहाओ, पानी को बचाओ, एक एक बूंद कीमती है। जब तो बड़े ताव में कहा था, हम तो पानी ऐसे बहाते हैं, हम तो पानी ऐसे बहाते हैं, हमारे मवारे में बहुत पानी है। तो क्या हुआ, अब कहाँ गया तुम्हारा पानी है? कहाँ पे गया, आप पछता रहे हो ना? आपने सही कहा बिल्लू भाई, तुम्हें समझाने का यही तरीका था। लेकिन बिल्लू भाई, मैं आज आपको एक वचन देता हूँ, आज के बाद मैं एक बूंद पानी भी व्यर्थ नहीं करूंगा, और लोगों को बताऊंगा कि इस पानी को बचाए, व्यर्थ ना करें, जितने पानी की आवश्यकता हो उतना ही इस्तेमाल करें। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास पानी पीने तो क्या, देखने तक तो नहीं होगा भाई साहब, देखने तक तो नहीं होगा भाई साहब। जल है तो कल है, जल है तो कल है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। अरे सड़क पे कूड़ा नहीं फेंक के करते रहें दे, इसे डस्टबिन में डाल, डस्टबिन में डालो। हाँ अरे यार, मतलब हमारे मवाना गंदा करेगी क्या? हाँ तेरा है? अरे यार बीमारियाँ फैल जाएगी यहाँ फेंकने से, फैल जाएगी। हाँ हम ऐसे फैले पड़े यहाँ पे, ले फैला दिया। बाय बाबू, मैं तो ठीक हूँ, क्या हुआ? तूने कूड़ा फेंका, हम उस कूड़े पे मक्खी बैठी, मच्छर बैठे, और वे उड़ के तेरे खाने बैठे। तुम खुद उन्होंने मुझे एड्रेस बताया उनका कि वो मक्खी में बैठेंगी, फिर एड्रेस पे आएंगी। अरे उसे खाना खा के बीमार होगी जो, और कूड़े को कूड़ेदार में डाला करो, बीमार होगी। भाई मुझे पिंक कलर पसंद है, पिंक कलर लाओ। जैसे चाय पत्ती, ठीक है, अंडों के छिले, चाय पत्ती मम्मी लाई करना है डब्बा बड़ा उसके अंदर, हां वही डालना, मम्मी लाई पता लाइक कार्ड के तरह चल रही है। हां तो मैं तो पूछ लूंगा, ये ऐसा यूज हुई, ठीक है, अंडों के छिलके, ठीक है, सब्जी के छिलके, और जितना भी जिले का हमारे पूरी पूरी निकलता हमारा किला कार भेज के वो डालेंगे। हम खाने वाले में मतलब तो घर से कार निकलता है ना,
चाहे वो बासी खाना हो गया, खीरा हो गया, छिलके हो गए, वो डालने हैं खाने वाले में। आया समझ के बोलिए, मुझे ऐसे थोड़ा बता रहे इसको, ये मेरी बात सुन ले, ये है सूखा कूड़ा, सूखा कूड़ा पता है? हाँ, जब पत्ते सूख जाए तो इसमें डाल दो। मैं पत्ते ही सूखा कूड़ा, जैसे लोहे प्लास्टिक, ठीक है, रबड़ के टुकड़े, कांच के टुकड़े, टीन के टुकड़े, जब इसमें जाएगा सूखे में, हाँ ये भी डाल दे सूखा है, ठीक है। यार तुम्हें क्यों डालना, मैं तो एक में डाल दूंगी, है ना, जैसे कि इस डब्बे में चलने वाला कीड़ा कूड़ा, ये कूड़े की बनेगी खाद, खाद, और वो कहा जाएगी पेड़ों में, दो चार पेड़ इसमें डाल दूंगी। और कोई भी इससे दोबारा वही सामान बनेगा, और जब इस कूड़े को कबाड़ी को बेचेंगे वो हमें क्या देगा, ना होगी बीमारियाँ, समझ में आए सबके, चलो बजाओ।